जीवन में किए गए सत्कर्म का फल है हमारे भीतर भगवान की भक्ति आ जाए। आप में से कई लोग बिना प्लानिंग के कथा में आ गए होंगे, बाबू जी हाथ उठाए हैं, भैया भी उठाए हैं, घर से निकले होंगे कहीं और के लिए, अब पहुंच गए कथा में, तो ये नहीं पहुंचे। आज सुबह सुबह ये जो घंटी बजाए होंगे, भगवान की पूजा किए होंगे, उसका फल भगवान देने के लिए इनको कथा पंडाल में भेज दिया। यही किए हुए सत्कर्म का फल है। बिना रचना के हम भगवान के मंदिर पहुंच जाएं, समझिएगा फल मिल गया। कहो आज क्या दिव्य दर्शन भैया, कहां द्वारिकाधीश सरकार के पास आनंद आ गया। और नागेश्वर महादेव में भी बड़ा अद्भुत दर्शन भैया, बड़ा आनंद आया। कहां है राहुल जी? राहुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत लोग गए थे, सारे बच्चे गए थे, हमारे शिव सागर भैया गए थे, हमारे राधनाथ राय जी गए थे। हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे अवध बिहारी हो, अरे कनक बिहारी हो, हम आए शरण तिहारी, कनक बिहारी हो, आए शरण गिरिवर धारी हो, आए शरण तिहारी, गिरिवर धारी हो, आए शरण तिहारी। महापात की रहा अजामिल, उसे मिला सुरधाम, कैसे मिला? नारायण आ गए लिया, जब पुत्र का अपने नाम, नारायण आ गए लिया, जब पुत्र का अपने नाम, नारायण आ गए लिया, जब संकट हारे हो, आए शरण तिहारी, संकट हारे हो, आए शरण तिहारी, अवध बिहारी हो, आए शरण तिहारी। गजेंद्र मोक्ष की कथा आप जानते हैं। जल में गज यानी हाथी के पांव को मगरमच्छ ने पकड़ लिया, ग्राह ने। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन होर, जब जल में गजराज ग्राह में हार गया गजराज, तो बोला दौड़ो नंद किशोर, हार गया गजराज, तो बोला दौड़ो नंद किशोर,
प्रहलाद से कि तू विष्णु को क्यों भसता है। प्रहलाद ने कहा विष्णु पिता है। हिरण्यकश्यप ने कहा मूर्ख तेरा पिता मैं हूं। प्रहलाद ने कहा पिताजी सत्य कहा आपने, आप मेरे पिता हैं, लेकिन आपके पिता विष्णु है। विष्णु पूरे संसार के पिता है। हिरण्यकश्यप ने कहा कहां है तेरा भगवान। बोले पिताजी आपका प्रश्न गलत है। प्रश्न ये नहीं होना चाहिए कि मेरा भगवान कहां है, प्रश्न ये होना चाहिए कि मेरा भगवान कहां नहीं है। अच्छा खंभे में है तुझे दिख रहा है, दिखाई पड़ रहे हैं भगवान। हिरण्यकश्यप ने कहा बांधो इसको खंभे में, इसको और इसके भगवान दोनों को समाप्त कर दूंगा। हिरण्यकश्यप जब प्रहलाद को जब बांधा खंभे के साथ, हिरण्यकश्यप